नवा नवा हसिया के नवा नवा पे नवा नवा हसिया के नवा नवा पे और जिया जा रहा को भैया के हो तो हो जही रही है साल है हो जही रही है साल है Oh, my God.
भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास सुतेर या भ्या विनर पश्यम जैसे दस आंता स्थामेश्वर श्रद्धा विश्वास का क्या इनका शादी चिंता से किया जा सकता है। भगवान आदिदेव महादेव जिसने पहले राम राम नाम को गाया है, जिसने पहले माता पार्वती ने सुनी ताई कर क्या वसी मजाक से कर दे ना चलेगा बोल राम 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 की जय हो। अब शिव श्रद्धा और विश्वास के शादी में जाने के लिए किन चीजों को संवारना पड़ता है चलो है दुनियो भाई भाई पति तेरे हसबैंड का बेगम ही नहीं। अब चलिए थोड़ा सा चिंतन करते हैं चलिए बोल सब गुरुदेव की जय हो। देखो गाइस लगे सवारा सकल सुवाहन की ए ए ए भाई जी वाहन का लगा दे वाहन की वाहन वाहन मतलब आने जाने का साधन क्या आने जाने का साधन चलिए अब ये मन का सवार रखे आने जाने का साधन। अब अध्यात्म भाव से देखेंगे तो हमारे चंदन में जाना रहा है जाना रहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिं जहि परलोक सवारा। भगवान शिव जी के साथ आए आदिदेव महादेव के साथ आए माता पार्वती के साथ आए जी सामने हो रहे प्यारे तो अपने साधनों को संवारना है। आदि भौतिक शरीर का साधन क्या है जो एकलव्य भाई भाई निर्मल हंस मजाक से खत्म होने वाले नहीं है। मैं तो आप मतलब सर वरिष्ठ कह देखो है नहीं खबर यह चलती है बोल राज रामचंद्र की जय भाई है भाई याद सुनो क्या है जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना तो अलग अलग सब्जेक्ट होता है अलग अलग टीचर होता है अलग अलग क्लास होता है अलग अलग समय होता है लेकिन ये सत्संग का क्लास ऐसे क्लास है मेरे भाई जहाँ टीचर एक होते हैं और विद्यार्थी अनेक होते हैं और विद्यार्थी आपके तरफ आंगनबाड़ी से लेकर के पीएचडी करने वाले लोग बैठते हैं कहाँ सत्संग के पास ठीक है एक कथा बहुत कठिन होते भाई भाई जीरो से लेकर के पीएचडी वाले लोग कच्चा घर कैसे रहते हैं देखा रहा हमारे गुरु जी बता रहे जब बात हल्का हल्का चले चलेगा तो तू मैं समझ रहे पूरे नीचे क्लास वाला बना चला 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 अब जब जब बात और दिल लग छुटी ना तो समझ रहे और क्लास बढ़ चला चला अब जब जब बात और ऊपर ऊपर डांट डांट के लगी बढ़ चला हाई क्लास वाला बना चला चला तो एक वक्त तक उधर के धर्मने को ध्यान करना करके जा 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 ठीक है बोल राज रामचंद्र की एक अधिकार आता लगे सवारा सकल सुरवाहन की विमान। अब देवता बड़ा कौन है वो देवता जो होनी है वो भोगी होनी है कौन सा योनि है भोगी होनी है क्योंकि तब तो देवता मनु देवता को नहीं कहा गया मनुष्य जी भगवान मां काली जी ने क्या कहा बड़े बड़ा ब्रह्मांड सत्ता जमा हुआ सूर्य गुरु सब सब जल पे ही गावा बड़ भाग भैसा सब बाबा ने की या बड़ भाग देवता सब बाबा ने की देवता जो तन है वो भोगी के भाई कौन से तन है भोगी के और शिव जी के शादी में शामिल होने वाले भाई तब जिसका शादी किसका हो रहा है तो जो अपने जीवन में काम को जीत गया हो किसको काम को देखिए हमारा शादी होते ना एक काम के कारण होते संतान उत्पत्ति के लिए लेकिन शिव जी अपने जीवन में काम को मार चुका है किसको मार चुके हैं काम को जिनके जीवन में काम मार गया है उनके शादी में शामिल होने के लिए विरक्त होना पड़ेगा विरक्त होने के बाद उनके बराबर में चल जाए तुम्हारी औकात बढ़ेगी प्यारे एक एक योगी के साथ में जा रहे हो और हम लोग भोगी है क्यों योगी है कौन भगवान शिव जी और माता पार्वती कौन है तो बोले साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव जी विश्वास है तो योगी के साथ में जाओगे तो तुम भोगी बन करके नहीं जा सकते इसलिए लगे समारोह सकल वाहन विविध विमान तो वाहन क्या है तो बोले हमारी इंद्री है वाहन बोले कैसे तो चलो पांच ज्ञान यानी पांच ज्ञान इंद्री कौन कौन सी इंद्री इंद्री जानती जानो पैसा इंद्री व्यंद्री इंद्री आप कान नाक जीभ त्वचा ये पांच ज्ञान इंद्री है कर्म इंद्रियों को संवारने की जरूरत नहीं है भाई यदि तुम्हारे ज्ञान इंद्री तुम्हारे ज्ञान इंद्री संवर गए तो कर्म इंद्री संवर ही जाएगा क्योंकि इसलिए कहा गया कि देवता क्या संवार रहे तो अपनी पांच ज्ञान इंद्री और छठवा इंद्री है मन और क्या संवार तो बोले आत्मा को और बुद्धि को यही संसार धर्म मोक्ष के बारे में चर्चा हो रही है इहिला सब देवता मन लाए बहुत विविध विमान और हमारे इस भौतिक शरीर को या इसमें बसे जीव को आत्मा से परमात्मा में जोड़ने के लिए अपने इंद्रियों को काबू में करना पड़ेगा भाई इंद्रियों को संवारना पड़ेगा तब तो
कबीर साहब का पहला पद क्या, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और जब तक के इंद्रियों को नहीं संवारोगे तब तक शिव जी के बराबर होने लायक नहीं बनोगे। मंगल सब है तो प्यारे कल्याण के मौसम में कल्याण के समय और सब शिव जी के आगे शिव जी के साथ करना चाहते और भाई ये प्रसंग ही प्रसंग क्यों क्योंकि अभी जिन बड़े को क्या बनवा चाहिए कोई ही सगुन सगुन क्या है बल्कि हम लोग सगुन की चर्चा कर रहे हैं भाई तो मुझे फलाना ने मुझे सगुन दिया है तो सगुन के कितने अर्थ हो सकते हैं सगुन का क्या क्या है तो बोले लगे सवारा सकर सुर तो बोले सकर सुर तो बोले भैया अपने इंद्रियों को सवारा और जब तक इंद्री नहीं सोरेगी तब तक हम शिव जी के बराबर में शामिल होने वाले नहीं है। पर बोला माता पार्वती अगर डांस कार्यक्रम भाई एक छह लोग बचे
जीवन आनंद हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। तो चलिएगा आप सब लोग चावल चावल अगर मोर बोली भाषा में काकरो दिल ल खेल को एकर बगल हाथ जोड़ के सादर क्षमा क्षमा हो और चावल चावल नवा नवा हसिया के नवा नवा पे नवा नवा हसिया के नवा नवा पे और जिया जा रहा को भैया के हो रही है साल है हो जही है साल है चलिए आता है।